अभिजीत बैनर्जी को नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद सियासी संग्राम शुरू हो गया था। उन्हें लेकर सोशल मीडिया पर एक वॉर छिड़ गई थी, लेकिन पीएम मोदी और अभिजीत बैनर्जी की मुलाकात के बाद उनको लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही थी अब वो खत्म हो सकती है। आइए बताते हैं ऐसी क्या बातें हुई पीएम मोदी और अभिजीत बैनर्जी के बीच, देखिए इस रिपोर्ट को। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान अभिजीत बैनर्जी और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच अर्थव्यवस्था, रोजगार, जीडीपी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बैनर्जी ने कहा कि उन्हें पीएम मोदी के साथ मुलाकात का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुलाकात के दौरान काफी समय दिया और भारत को लेकर अपने विचारों के बारे में बातचीत की। अभिजीत बैनर्जी ने बताया कि भारत को लेकर प्रधानमंत्री की सोच औरों से हटकर है। इस दौरान उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था व हालात पर भी बात की। बैनर्जी ने ये भी बताया कि पीएम मोदी ने उन्हें बड़ी खूबसूरती से रिफॉर्म के पीछे छुपी हुई सोच को समझाया और उन्हें बताया कि पीएम ने इस रिफॉर्म का स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया था। अभिजीत बैनर्जी ने कहा कि पीएम मोदी जमीनी हालात सुधारने के लिए प्रशासनिक रिफॉर्म कर रहे हैं। सिर्फ अभिजीत बैनर्जी ने ही नहीं बल्कि मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके कहा, नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बैनर्जी के साथ अच्छी मुलाकात हुई। मानवीय विकास के प्रति उनका जुनून साफ दिखाई देता है। हमने विभिन्न विषयों पर एक स्वस्थ और व्यापक बातचीत की। भारत को उनकी उपलब्धियों पर गर्व है। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं। अभिजीत बैनर्जी को नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था, जिसके बाद सियासी घमासान शुरू हो गया था। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा था कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल महत्वाकांक्षी न्यूनतम आय योजना यानी कि न्याय को तैयार करने के लिए अभिजीत ने मदद की थी, जिसमें गरीबी को खत्म करने और भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का सामर्थ्य था। लेकिन न्यूज 18 को दिए एक इंटरव्यू में अभिजीत बैनर्जी ने ये साफ किया था कि न्याय को लेकर उन्होंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी थी, ना कि इस योजना को तैयार किया था। वह इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि न्याय को कैसे तैयार करें, इस बारे में भी किसी ने उनसे नहीं पूछा था। और बैनर्जी को ये भी लगता है कि न्याय अच्छे से तैयार नहीं किया गया था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारतीय अमेरिकी अभिजीत बैनर्जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें संयुक्त रूप से फ्रांस के एस्टर ड्यूफ्लो और अमेरिका के माइकल क्रेमर के साथ दिया गया था। अभिजीत बैनर्जी एक भारतीय हैं और उनको नोबेल पुरस्कार मिलने पर हर भारतीय को गर्व है। ऐसे मुद्दों पर किसी को भी राजनीति नहीं खेलनी चाहिए, बल्कि पूरे देश को एकजुट होकर उन पर गौरव महसूस करना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।